Hello everyone, so I'm back with another video and in this video we are going to discuss about A to Z of business. Yes, as a marketer आप सोच रहे होंगे कि ये business के बारे में इतना क्या बताने वाली है but अरे कहना क्या चाहते हो? Yes, we are going to discuss complete A to Z of business, combining it with the marketing. Because main basic root of business is marketing. अगर आप marketing नहीं कर रहे हैं तो आपका business आपको पता है किस तरीके से grow करेगा. So yes, coming back to this. Hi, I am Avisha, your digital journey companion, where we are going to discuss complete about डिजिटल मार्केटिंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि आप कैसे अपने आप को बहुत अच्छे से ए टू जेड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द बेसिक्स. बिकॉज हम क्या करते हैं, बेसिक्स भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम मोस्टली जो बहुत आजकल जो ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही है, स्ट्रैटेजी बनाना, बहुत सारे फनल्स बिल्ड करना, हम उस पर फोकस करने लगते हैं, जबकि हमें बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है एंड बेसिक्स इज़ गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स. और एक टाइम आता है कि जब हम बिज़नेस पे एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी हमारे बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो पाती है और उस टाइम पे हमें लगता है कि ठीक है, हम कुछ तो गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती हमें समझ में नहीं आती है. अगेन, जब आप गलती करें, इट्स ओके टू गो टू द बेसिक्स. एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं ये. ऐसा लगता है हमें कि एक हम लेवल पे आ गए हैं तो हमें बेसिक्स पे जाना बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बट इट्स ओके टू गो टू द बेसिक्स एंड टॉक अबाउट इट कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको ये सॉल्यूशन की ज़रूरत है. सो इट्स ओके. और इट्स बेटर अगर आपको सॉल्यूशन पता, क्वेश्चंस पता है, आपको प्रॉब्लम्स पता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं पता है, तो आपको उसके लिए वापस से बेसिक पे जाने की ज़रूरत है. आप क्या चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, उन बेसिक्स के साथ पूरा एक लिस्ट आपके पास रहेगी, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो येस, आई एम गोइंग टू शेयर द कम्प्लीट डिटेल्स विदाउट एनी डिले. लेट्स गेट इन टू इट. एंड जो भी आपको लगता है कि लाइक एक्चुअली बिजनेस के आपके प्रॉब्लम्स है, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर कॉमेंट. इफ आई जस्ट फाइंड इट एक्चुअली रेलिवेंट, और अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपका आंसर नहीं कर पा रही, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. So as I told you that we are going to talk about the complete A to Z of business with digital marketing, because marketing is equally important with when you are doing business. And हमें एक mindset है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे businesses I just go on meetings and what they say कि ठीक है, हमने एक shop open किया, हमने एक office अच्छे सा setup किया, but clients नहीं आ रहे. ये बहुत major issues है लोगों की. तो दैट इज़ वाई आई जस्ट वॉन्टेड टू गो फॉर बेसिक्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि ये ए टू जेड आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो स्टे कनेक्टेड फॉर द कम्प्लीट वीडियो टू गेट द कम्प्लीट ए टू जेड ऑफ द बिजनेस अबाउट विद डिजिटल मार्केटिंग. एंड देयर इज अ गिफ्ट एट द एंड विच आई एम गोइंग टू रिवील फॉर यू. सो स्टे कनेक्टेड टिल एंड ऑफ द वीडियो. जब हम बिजनेस की बात करें, ए टू जेड ऑफ बिजनेस, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन एंड हैज़ टू बी कवर्ड. सो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं आज कवर करने वाली हूँ और पूरी चीज़ एकदम अच्छे से डिफाइन करूँगी. सो येस, कमिंग टू इट, देयर इज अदर वे कि ठीक है, आपको ए इज इक्वल्स टू अवेयरनेस. अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें लगता है कि सिर्फ एक बिजनेस ओपन करना एंड जस्ट नॉट टेलिंग पीपल अबाउट इट, या फिर हम अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ उन्हीं लोगों को बताते हैं जो हमारे नियर बाय हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया में हैं. हमें लगता है कि हमें उतना ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़े बहुत कैंपेनिंग कर लेते हैं, या फिर हम एड्स भी अगर लोग रन कर रहे हैं तो उनका बजट अच्छा खासा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप अवेयरनेस कर रहे हैं अपने बिजनेस का, तो प्रॉपरली अवेयर करिए लोगों को, बिकॉज फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग ही अवेयरनेस होता है. अगर मैं किसी की भी बात करूँ, इफ़ यू आर ओपनिंग रियल स्टेट सर्विस, अगर आप रियल स्टेट सर्विस सेगमेंट में जा रहे हैं एंड आपने बोला कि बस कुछ लोगों को बताया कि इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर्टी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ये अवेयरनेस काम नहीं करने वाला. सिर्फ आपको इतना ही बताना कि नियर बाय लोगों को आप अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो आई एल बी देयर, इट्स नॉट इनफ. आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर वो प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं तो यू आर द राइट पर्सन टू चूज एंड आप बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज उनको अच्छे कॉस्ट में अवेलेबल करा सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू गो फॉर. तो अवेयरनेस प्रॉपर फनल्स बना के, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के आपको करने की जरूरत है. तो और अवेयरनेस किस किस प्लेटफॉर्म्स पे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पता चल रहा है कि आप एक एक मेल शूज बेच रहे हैं और वो फीमेल को जाके एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग अवेयरनेस, राइट? तो आपको बहुत सारी चीजें सोचने की और समझने की जरूरत है राइट नाउ विद द डिजिटल मार्केटिंग और अवेयरनेस. अगर आप सिर्फ एक ऑफलाइन इवेंट करके करना चाहते हैं या फिर सिर्फ कुछ पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके या न्यूज़पेपर में एड्स देखे, तो आप अवेयर
रैंडम लोगों को करने वाले हैं जिनका यू डोंट नो ऑल्सो कि वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है कि नहीं. सो मेक श्योर दैट आप बहुत प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग टूल को यूज करें सो दैट आप अच्छे से रिजल्ट्स गेन कर पाए. अदरवाइज क्या होता है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने जो भी एड्स देना चाहते हैं वो आप न्यूज़पेपर्स के अंदर जाके दे रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या फॉर्मेट है, क्या तरीका है उन राइट ऑडियंस तक पहुंचने का. तो आई वुड से कि डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा ज्यादा बजट फ्रेंडली होगा आपके लिए, प्लस आपको टारगेट ऑडियंस का एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी. सो गो फॉर इट एंड ट्राई डूइंग दिस विद द अवेयरनेस. सेकेंड इज बजटिंग. जब हम बजटिंग की बात करते हैं, हमारे पास कुछ ही चीजों के बजट्स होते हैं. स्पेसिफिकली जब एक स्टार्टअप होता है या फिर एक एस्टेब्लिश बिजनेस की भी मैं बात करूँ तो उनके पास ये रहता है कि हमारा बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है, या फिर जो नए बिजनेस है उनको लगता है कि ठीक है हमें कुछ बजट अपने एम्प्लॉयज के लिए रखना है, कुछ एक्सपेंसेस के लिए रखना है, कुछ हमारी सैलरी के लिए रखना है, दैट्स ऑल. दिस इज द बेसिक बजटिंग मेथड दैट व्हाट वी आर यूजिंग राइट नाउ. लेकिन अगर मार्केटिंग के लिए स्पेसिफिक बजटिंग नहीं की देन यू आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर द लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म पे ही स्टिक हो जाएंगे. देन इट कम्स कस्टमर्स. दिस इज द मेजर थिंग दैट यू आर इन टू बिजनेस. अगर आप कस्टमर को सर्विस देने आए हो तो आपका मेन मोटिव कस्टमर्स को गेन करना ही है. और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस के साथ कस्टमर्स को लाइक एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर उनके साथ उनके लिए काम करना चाहते हो तो आपको उनके आपको कंज्यूमर्स को स्टडी करना पड़ेगा एक्चुअली क्या प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट उनके एंड से है. अदरवाइज व्हाट वी थिंक कि ठीक है कस्टमर्स आ रहे हैं, हम वही प्रोडक्ट लेके जाते हैं जो हमें बेचना है, लेकिन ये शायद आप एक अकेले की प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती. सो आपको कस्टमर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है. तो हमेशा हम बोलते हैं कि जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपको कस्टमर के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका कस्टमर किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, किस रीजन से बिलोंग करता है, उसका इंटरेस्ट क्या क्या है. ये सारी चीजों की एक एनालिसिस होती है, एक रिसर्च होता है, उसके बाद आप प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लेके आते हैं. मेक श्योर आप प्रॉपर कस्टमर सेगमेंटेशन करें, प्रॉपर कस्टमर स्टडी करें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन करें. देन इट कम्स टू डिजिटल. अब जब हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास कस्टमर्स हैं, लेकिन अब इनको डिजिटलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज हमने अभी तक पेमेंट को डिजिटलाइज कर लिया. हमारे फोन स्मार्ट हो गए लेकिन हम अभी भी स्मार्ट नहीं हो रहे. हमें लगता है कि ठीक है मैं सिर्फ एक जाके गूगल मैप बिजनेस के अंदर लिस्टिंग करनी है, गूगल मैप्स के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर करना है. इसके अलावा हमारे पास अगर डिजिटल पेमेंट्स आ रहे हैं या फिर हम एक फेसबुक पे पेज बना दे रहे हैं तो हमारा हो गया, बस हमें इतना ही डिजिटलाइज करना है अपने बिजनेस को. लेकिन एक्चुअल में ये डिजिटलाइजेशन नहीं है बिजनेस का. आपको अपने जो ऑफलाइन स्टोर है या फिर आप ऑफलाइन में जो बिजनेस कर रहे हैं वही ऑनलाइन में एस्टैब्लिश करना है. आप एक इनविजिबल स्टोर ओपन करना जा रहे हैं जो ऑनलाइन लेवल पे होगा, जो वर्चुअली होगा प्रेजेंट, जिसमें आपको वही इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वही सर्विस आपको देनी है, वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको रखने हैं. बस ये है कि आपका कस्टमर कहीं पे भी हो वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले सकता है. दैट इज एक्चुअली डिजिटलाइजेशन. जहाँ पे कस्टमर आए आपके पास, उसको जो भी प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं वो सेलेक्ट करे, वो अपना प्रोडक्ट को खरीदे, उसके बाद वो चीज़ उसके पास डिलीवर हो जाए और उसका जो कस्टमर का फीडबैक है वो बहुत अच्छा हो. तो ये एक ऑनलाइन लेवल पे एक डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की जर्नी होती है कस्टमर्स के लिए भी. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन ऑल योर कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग योर बिजनेस इन डिजिटल लेवल्स. देन इट कम्स टू एम्प्लॉय. इज एम्प्लॉय, यस. अगर हम बिजनेस की बात करें, एम्प्लॉय इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल थिंग दैट यू शुड हैव. एंड जब एम्प्लॉय काम करता है तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है. तो जस्ट नीड टू फाइंड राइट पीपल फॉर वर्किंग विथ यू. देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, सो जस्ट गो एंड चेक आउट डिफरेंट वेबसाइट्स वेर यू कैन फाइंड एम्प्लॉयज. लेकिन आप जब अपने एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग गुड नंबर गुड पीपल विथ यू जो ग्रोथ माइंडसेट से काम करे. इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ सैलरी लेना है, दैट्स ऑल. ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ तभी आएगी जब पूरे टीम के अंदर ग्रोथ माइंडसेट होगा. सो मेक श्योर दैट यू हैव गुड पीपल इन योर फर्म सो दैट यू कैन जस्ट सर्व बेटर टू पीपल. नाउ इट कम्स टू फेस. एफ इज इक्वल्स टू फेसबुक फॉर बिजनेस. आई जस्ट केप दिस टॉपिक बिकॉज फेसबुक फॉर बिजनेस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर हम फेसबुक फॉर बिजनेस की बात करूँ तो हमें लगता है कि फेसबुक एक पेज बनाना है, या फिर कई लोगों से मैंने बात की और वो मैंने नोटिस किया कि लोग जाके फेसबुक का पेज
नहीं बना के वो खुद एक फेसबुक अकाउंट बनाते हैं जहां पे वो बिजनेस के नाम से वो अकाउंट बनाते हैं। दैट इज वेरी लाइक इमेच्योर, लाइक इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जाके फेसबुक के अंदर एक बिजनेस का पेज बनाएंगे, वो आपकी आईडी से या किसी और की आईडी से भी बन सकता है। उसका एक्सेस आप मल्टीपल लोगों को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक का आपका पेज कोई और अच्छे से मैनेज करे, देन वो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी को और को एक्सेस दे सकते हैं। तो फेसबुक पेज में आप प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक अकाउंट में आप प्रमोशन नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप पेज के लिए प्रमोशन करने वाले हैं तो आप पेज बनाएं। और फेसबुक जो पेज होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास डिफरेंट कंटेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है, रील्स हो सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गो फॉर। उसके बाद आते हैं गूगल। अब आप अगर गूगल की बात करूं मैं, हर किसी को लगता है कि अगर मैं कुछ भी नाम टाइप करूं, वो हमारे बिजनेस को या मेरे खुद का नाम वो वहां पे डिस्प्ले होने के लिए मेरा टॉप पे रैंक करना चाहिए। आप किसी को भी पूछेंगे कि लाइक आपका बिजनेस अगर गूगल पे दिखता है तो आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है। आप कुछ भी चीज अगर जाके गूगल पे फर्स्ट चीज सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, ये जो टॉप रिजल्ट्स हैं दैट इज गोइंग टू गिव मी रिजल्ट्स। या फिर ये ऑथराइज लोग हैं जिनको जिनसे मैं प्रोडक्ट या सर्विस ले सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल कि अगर आपको डिजिटलाइज होना है, आपको अपनी गूगल की लिस्टिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रही है कि नहीं, ये चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। हाइब्रिड बिजनेस मॉडल बहुत ट्रेंडिंग सा वर्ड है, बहुत नए सी वर्ड्स लग रहे हैं, बट ये बहुत बेसिक चीज है। यस, हाइब्रिड बिजनेस मॉडल ये होता है जिसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे बिजनेस करते हो। और जब आप बिजनेस करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन लेवल पे, उस टाइम पे ये होता है कि एक ऑनलाइन स्टोर आपने ओपन किया वर्चुअल लेवल पे और एक ऑफलाइन स्टोर आप ऑलरेडी रन कर रहे हो। तो देर आर डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग्स। तो कई लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन पहले जाते हैं उसके बाद वो ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं। तो देर आर डिफरेंट मॉडल्स दैट यू कैन गो फॉर, लेकिन हाइब्रिड बिजनेस मॉडल के लिए द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर होना कंपल्सरी है। दोनों स्टोर आपके लिए कंपल्सरी है, तभी वो हाइब्रिड बिजनेस मॉडल कहलाएगा। सो मेक श्योर कि आप दोनों जगह पर प्रेजेंट हो। उसके बाद इनबाउंड लीड्स। जब हम इनबाउंड लीड्स की बात करते हैं, लीड्स की बात करते हैं, हमें लगता है कि हम बैठे रहे बहुत अच्छे से चिल आउट करके और हमारे पास लीड्स अपने आप आती रहे। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम सोचते हैं। ये होता है इनबाउंड लीड्स। इनबाउंड लीड्स का मतलब ये है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपको खोजते हुए आपके पास आएंगे। अब ये तब होता है जब आपने अपना ब्रांड बिल्डिंग कर लिया है। अगर आज मैं बात करूं कि इफ आई वांट अ टूथपेस्ट, आई वुड सजेस्ट गो फॉर कोलगेट। फर्स्ट ब्रांड दैट कम्स इन माइंड इज कोलगेट। सो दिस इज हाउ ब्रांड बिल्डिंग हैज बीन डन। अगर आज कोलगेट जाके एडवर्टाइजिंग नहीं भी करे तो भी उनके पास कस्टमर्स आएंगे जस्ट बिकॉज पीपल नो देम, तो वो इनबाउंड लीड्स हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको पहले अपनी कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, आपके एड्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब लोगों को एक कंफर्मेशन हो जाएगी, एक श्योरिटी हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको काम करने की जरूरत है। मेक श्योर कि आप वो चीज कर रहे हैं। देन इट कम्स जस्ट इन टाइम मार्केटिंग। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लाइक अभी जो बिजनेस में रिसेंटली जो ट्रेंड कर रहा था वो होर्डिंग बोर्ड्स वाले पोस्टर्स थे जो जोमेटो के थे। इफ आई टॉक अबाउट कि आपको वो ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है कि जस्ट दैट इज द मोमेंट एंड आप वहां पे मार्केटिंग करके आए। तो दैट इज लाइक कि आप कितने अच्छे से ट्रेंडिंग चीजों को मार्केट कर रहे हैं, उस टाइम को किस तरीके से, अगर कुछ चीज ट्रेंड कर रही है उस तरीके को, उस चीज को अपने आपके मार्केटिंग के लिए किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स हैपन्स विद दिस। सो हमने अभी तक जितने आप बात किया उसमें आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि बहुत छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ इट कम्स कीवर्ड प्लानिंग। जब हम कीवर्ड प्लानिंग की बात करते हैं, कीवर्ड प्लानिंग इज ऑल अबाउट कि आपके बिजनेस के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के अंदर कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। सपोज इफ आई वुड टेल यू कि आप फ्लैट्स बेचते हैं इन दिल्ली, सपोज दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इफ यू जस्ट सेल प्लॉट्स, तो यू विल से कि दैट आई एम, इफ यू इफ एनी वन विल सर्च, इफ दे विल बी सर्चिंग लाइक बेस्ट प्लॉट्स नियर दिल्ली या फिर बेस्ट प्लॉट्स इन दिस रीजन,
तो अगर लोगों ने ये चीज सर्च की है तो आपका एक कीवर्ड हो गया कि लोग इस चीज को सर्च करते हैं, तो आपको भी यही कीवर्ड्स अपने वेबसाइट के अंदर हो या ब्लॉग्स के अंदर हो, आपको भी यही सेम कीवर्ड्स अपने ब्लॉग के अंदर सब जगह पे यूज करने हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग जहाँ पे भी कर रहे हैं वहां पे भी आपको यही चीज डिफाइन करनी है दैट वी आर द बेस्ट लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिल्ली, और वी आर जस्ट वी प्रोवाइड बेस्ट प्लॉट्स इन दिल्ली। सो दिस इज ऑल थिंग्स दैट कीवर्ड्स आर द बेसिक थिंग्स जो आप खुद भी सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करने के लिए, दिस आर द कीवर्ड्स। सो ये चीज आपको इंटीग्रेट करनी है, तो बेसिक आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, कितने कीवर्ड्स आएंगे, कितने बार वो रिपीट होने चाहिए, कितने कैसे टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए, उस कीवर्ड्स पे सर्चेस आ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें एनालाइज करनी है आपको। देन इट कम्स लैंडिंग पेज। अब मेन बेसिक प्रॉब्लम ये है लोगों की कि आपको लगता है कि लैंडिंग पेज, ओके लैंडिंग पेज तो हमें हमें पता है कि ठीक है एक नॉर्मल सी वेबसाइट होती है जिसके अंदर हम ये चीज डाल देते हैं, जिसमें होम होगा, अबाउट अस होगा, उसके अलावा ये होगा कि हमारे सर्विसेज होंगी, हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज होगा, दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लैंडिंग पेज। लेकिन लैंडिंग पेज वो होता है जहां से कन्वर्जन आता है, जहां से जहां पे लीड्स आती है आपकी। तो लैंडिंग पेज शुड बी सो सो अमेजिंग जिसके अंदर आपके एक प्रॉपर बैनर होना चाहिए, उसके बाद आपके प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए, आपके वीडियोज होने चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए, कुछ ऑफर्स होने चाहिए, दिस इज द बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। सो लैंडिंग पेज प्रॉपरली बनाएं, जस्ट गो फॉर, अगर आप कुछ ऑफर्स लेके आते हैं तो ऑफर्स के लिए भी लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट करिए। हमें लगता है कि हमारी एक वेबसाइट तो बनी हुई है, हमें लैंडिंग पेज की क्या जरूरत, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल ऑफर्स लेके आ रहे हैं, गो फॉर इट, स्टार्ट क्रिएटिंग लैंडिंग पेज फॉर दैट ऑल्सो। अब आते हैं मोबाइल मार्केटिंग में। हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन मोबाइल मार्केटिंग। हमें लगता है कि सिर्फ फेसबुक ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ओनली मोबाइल मार्केटिंग, नहीं, ऐसा नहीं होता। मोबाइल मार्केटिंग बहुत डिफरेंट इन चीजों से, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा एप्लीकेशन पे, लाइक अगर मैं ट्रूकॉलर की बात करूँ, आपने देखा होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, तो उस एप्लीकेशन के अंदर भी वो आती है, एड्स आते हैं। तो दिस इज हाउ मोबाइल मार्केटिंग इज डन। अगर आपको लगता है कि आप खुद के लिए करवाना चाहते हैं मोबाइल मार्केटिंग, तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मोबाइल मार्केटिंग आपको खुद भी करना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पास कुछ एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर एड्स डालें, तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन मोबाइल मार्केटिंग इज ऑल्सो अदर वे ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। देन इट कम्स नेटवर्किंग। हमें लगता है बिजनेस के अंदर नेटवर्किंग तो हमें ठीक है, हम जैसे भी करते हैं, हम चार लोगों को जानते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, दैट इज ओके। लेकिन इसके अलावा आपको अपने ऑफलाइन इवेंट्स पे, ऑनलाइन इवेंट्स पे नेटवर्किंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चीजों के लिए। सो अगर नेटवर्किंग की बात करूँ, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप आउटडोर्स पे जो इवेंट्स होते हैं वहां जा सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटीज बिल्डअप हो चुके हैं बिजनेस के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेटवर्किंग से रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस से बिजनेस आते हैं। सो जस्ट गो एंड ट्राई दिस आउट। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट आजकल सबको लगता है कि हमने डिजिटलाइज कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट क्यूआर कोड से लेना इज नॉट ओनली ऑनलाइन पेमेंट, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप अपने वेबसाइट के थ्रू या लैंडिंग पेज के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जीरो रहेगा, रिसीट भी उनके मेल पे चली जाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उनको भी कंफर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल थिंग्स कैन बी डन फ्रॉम पेमेंट गेट पे। पेमेंट गेट पे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती है। एक प्रोडक्ट रखिए, प्रोडक्ट के बाद बटन बनाइए पे नाउ का, और वो डायरेक्टली आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, शायद वो सीओडी भी हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जिससे भी आपको पेमेंट करवाना है। तो देर आर लॉट ऑफ पेमेंट गेट वे दैट यू कैन गो फॉर, बट आई कैन रिकमेंड यू कि आप रेजर पे यूज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी डेफिनेटली, जहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं कि आप कैसे अपना ऑनलाइन पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं, दैट इट इज अगेन अ बेस्ट टूल, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, जरूर जाके चेक कर लेना आप। उसके बाद आते हैं कि अब आपको बाकी सेट ऑफ चीजें करनी है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, अब इसमें आते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये बहुत ट्रेंडिंग सा वर्ड है, आपने भी सुना होगा अपने बिजनेस के लिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो हाउ योर एड्स आर परफॉर्मिंग, हाउ योर मार्केटिंग इज डन, एंड उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहाँ पे आप इक्वली हर परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, प्रॉपरली वर्क करता है कर रही है कि चीजें कि नहीं, वो सारी चीजें आप प्रॉपर एनालाइज करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग
मॉडलिंग आज बहुत ज्यादा यूजफुल है जस्ट बिकॉज टू ट्रैक एवरी एनालिसिस ऑफ योर मार्केटिंग योर बजट्स. सो व्हाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बी ट्रैक्ड, और उसकी वजह से आप कितने अच्छे से क्या चीज अच्छी से परफॉर्म कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं. देन इट कम्स क्वालिफाइड लीड्स. अब क्वालिफाइड लीड्स हमेशा क्वालिफाइड नहीं हो सकती, लेकिन क्वालिफाइड लीड्स से कन्वर्जन जरूर हो सकता है. यस. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज मैंने बोली है. इसका एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे लीड्स आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रही है. सपोज मैं बोलूँ कि फेसबुक से आपको लीड्स आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, लिंक्डइन के थ्रू आ रही है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आ रही है, या फिर आपके एड्स के थ्रू, या फिर आपके लैंडिंग पेज के थ्रू लीड्स आ रही है. अब वो लीड्स आने के बाद फिल्ट्रेशन लगाना जरूरी है कि अगर आपके लीड्स में कोई रैंडम क्लिक कर देता है या फिर कोई कोई ऐसा रैंडम पर्सन है उसके अंदर अगर फिल्टर करना है, फिल्टर करने के लिए आप एक फॉर्म भरा सकते हैं उसमें जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस को आप सामने वाले को एक लिंक के थ्रू भेजिए, वो फॉर्म फिलअप करेंगे एंड देन आपको समझ में आएगा ये क्वालिफाइड लीड्स है. अगर वो फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं देन दे आर नॉट क्वालिफाइड, डोंट गो फॉर देम, डोंट टॉक. जस्ट लाइक रैंडम लोगों को पिच करने से बेटर है क्वालिफाइड लीड्स पे काम करें जहां कन्वर्जन इजिली निकल सकता है. देन इट कम्स की आर आर इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग. अगर आरओआई की बात करूँ तो हर जगह हमें लगता है कि ठीक है हमने कितना इन्वेस्ट किया है उसमें कितना रिटर्न आ रहा है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हर जगह पे आपको ये चीज एनालाइज करनी है. लेकिन अगर मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ईजी ऑप्शन है, ट्रैकेबल है वो बहुत ईजिली, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको नहीं मिलता अगर ऑफलाइन मार्केटिंग में आप जाते हैं तो. लेकिन अगर आपको आरओआई ट्रैक करना है तो आपके पास प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स आपको करना आना चाहिए. आपको कितना रिटर्न किस प्लेटफॉर्म्स में कितना इन्वेस्ट करने के बाद मिल रहा है ये चीज आपको एनालिसिस करने आनी चाहिए. अदरवाइज ये होता है कि लोग जाते हैं हर दिन हर महीने वो 5,000 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, उनको पता ही नहीं उनका टारगेट ऑडियंस कितना पहुंच रहा है, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी एनालाइज. उसके बाद जाते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. दिस इज द बेसिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स. और जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं इन दैट केस एसईओ के अंदर क्या होता है कि गूगल जो रिजल्ट्स देता है आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के और बॉटम के जो रिजल्ट्स होते हैं वो होते हैं पेड वाले. अदर देन दैट जो बीच में जो सेगमेंट होता है गूगल के फर्स्ट पेज की रैंकिंग होती है उसमें जो मिडिल ऑफ द रिजल्ट्स होते हैं दैट इज एसईओ, जिसमें आप गूगल को पे नहीं करते हो अपने आप को रैंक कराने के लिए, लेकिन आप कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज करते हो जिसमें ऑन पेज में कुछ चीजें होती है, जैसे वेबसाइट के अंदर कुछ एडिटिंग करते हो, आप उनकी बैकलिंकिंग करते हो, ऑफ पेज पे आप कुछ काम करते हो. दिस इज बेसिकली एसईओ, जिसकी वजह से आपको बिना पैसे दिए गूगल को आप रैंक कर सकते हो. लेकिन या दिस इज अगेन आपको इसमें टाइम लगता है ये, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होते हैं. सो आप एसईओ के लिए भी जाना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं टी टी इज TOFU, टोफू. यू कैन यू यू माइट बी थिंकिंग अरे ये क्या लिखा हुआ है. टोफू इज टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे हम क्लाइंट को कन्वर्ट करते हैं इन लाइक ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिसकी मार्केट को शायद रिक्वायरमेंट्स हो या ना हो. तो इट डिपेंड्स कि ठीक है आपने अगर मार्केट में एंटर किया आपको अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा टॉप ऑफ द फनल पे कि आपको क्या जरूरत है, आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उनकी, और कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आपका प्रोडक्ट उनके लिए. ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी पड़ेगी. तो ये टॉप ऑफ द फनल वो होते हैं जहाँ पे कस्टमर अवेयर है, आप मतलब आप अवेयर करते हैं कस्टमर्स को कि लाइक वी आर एग्जिस्टिंग ओवर हियर, मार्केट में हम भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस इससे रिलेटेड चाहिए तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. सो दिस इज टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉपरली अवेयर करते हैं कि हम आ गए हैं मार्केट में, नाउ यू हैव टू नो हम प्रेजेंट हैं मार्केट के अंदर. सो दिस इज टॉप ऑफ द फनल. नाउ इट कम्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ ए टू जेड एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब आते हैं यू यू इज यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो यूएसपी इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके बिजनेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है. अगर आप किसी कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन वो बोलेगा कि ये दूसरा इंसान भी यही चीज कर रहा है, आप उससे कैसे डिफरेंट है, तो आपको अपना यूएसपी दिखाना पड़ेगा. आपको एकदम अच्छे से स्टैंड आउट करने के लिए आपको अगर बोलना है कि लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर फूड ऑनलाइन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज जोमैटो, ऑब्वियसली. सो दिस इज द टैगलाइन ऑल्सो वर्क कि ठीक है आपने अपने नाम के साथ टैगलाइन भी इंटीग्रेट कर दिया है एंड वहां पे आप अपने आप को स्टैंड आउट कर रहे हैं भीड़ से. सो दिस इज अगेन अ प्लस पॉइंट दैट शुड बी देयर विथ यू. उसके बाद आते हैं वीडियोज. वी इज इक्वल्स टू वीडियोज आई वुड से.
तो जब मैं वीडियोस की बात करती हूँ, वीडियोस के अंदर अगेन इट कम्स कि आप अपने आप को कितने अच्छे से, क्योंकि आज के टाइम पे वो जो पोस्टर एड्स होते हैं उससे ज्यादा वीडियो एड्स काम कर रहे हैं। आपने यूट्यूब के अंदर भी देखा होगा बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन विथ वीडियोस। तो अपने वीडियोस प्रमोशन ज्यादा करिए, आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। एक एक मिनट की वीडियो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, तो जाके आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। वीडियोस बहुत इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग। हमें लगता है सिर्फ विजिटिंग कार्ड में एंट्री करने के लिए हमें वेबसाइट की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेबसाइट भी कन्वर्जन देती है। अगर आपको लगता है कि आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत है या आपको डोमेन या होस्टिंग की जरूरत है, यू कैन यूज अ वेबसाइट कॉल्ड होस्टिंगर, जहां से आपको बहुत रिजनेबल अमाउंट में कस्टमाइज होस्टिंग मिल जाएगी आपको आपके अकॉर्डिंग। सो आपको बहुत, इट स्टार्ट विथ 79 पर मंथ, और बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत अच्छे से डैशबोर्ड मिलेंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, hostinger.in आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अमेजिंग वेबसाइट जिससे आपको बहुत 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 अच्छे से डैशबोर्ड मिल जाएगा। आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 4 to 5 years, तो आप उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो वेबसाइट के लिए यू कैन जस्ट गो फॉर डोमेन होस्टिंग, उसके बाद आपका एक वर्डप्रेस का आप वेबसाइट बना सकते हैं। या अगर आपको हैवी वेबसाइट चाहिए, लाइक हैवी इन द सेंस बहुत कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए, आपको बहुत बहुत लाइक स्पेसिफिकेशंस हैं आपके पास, देन यू कैन जस्ट गो फॉर कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट। और इफ यू वांट, वी कैन हेल्प यू विद दैट। एंड देन इट कम्स XML। XML साइट मैप इज बेसिकली यूज टू टेल गूगल कि आप किस तरीके से हमारी वेबसाइट को रैंक करेंगे। एंड इसमें ये होता है कि आप जाके वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिखते हैं जो मशीन अंडरस्टैंडेबल, जो 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 गूगल ऑटोमेटिकली समझता है, वो लैंग्वेजेस को आपको लिखनी है। एंड देन यू कैन जस्ट लिखनी है, इन द सेंस वो ऑटो जनरेट हो जाते हैं। तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर SEO पर्पस। सो स्टार्ट डूइंग इट। गूगल के बॉट्स आपकी जो वेबसाइट के अंदर क्रॉल करते हैं, क्रॉल करने के बाद वो XML साइट मैप चेक करते हैं, ठीक है आपके मैप में क्या, आपकी वेबसाइट में क्या क्या है, उस हिसाब से वो रिजल्ट पोर्ट्रे करते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन यूज। उसके बाद आते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब इज द मोस्ट, मतलब बेसिक चीज है, ये हर किसी को पता है यूट्यूब। तो अब यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूट्यूब आप अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से यूज कर रहे हैं, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन बी डन, एंड इट कैन बी डन इन अ गुड वे। तो हम लोगों ने अब तक YouTube के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं जीरो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सबके लिए कि जीरो कॉस्ट स्ट्रैटेजी कैसे हम कर सकते हैं। तो जीरो कॉस्ट स्ट्रैटेजी आप तब कर सकते हो जब आप कंटेंट के ऊपर पूरा पूरा काम करते हो। आपके पास अगर अच्छा ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आ रहा है, लाइक विदाउट डूइंग पेड एड्स, तो जीरो कॉस्ट स्ट्रैटेजी से आप लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, आप बिल्कुल वहां पे जाके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो विद कंटेंट मार्केटिंग। जितने अच्छे से कंटेंट करना है वो आप कर सकते हो। कंटेंट इज बेसिकली आपका पूरा पूरा रिजल्ट आपके कॉन्टेंट से आ सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू विथ ऑल जीरो कॉस्ट। बस आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा अपना कंटेंट बनाने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। एंड वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई टोल्ड यू, मैं स्टार्टिंग से आपको बोली थी, बोला था मैंने। सो ये जीरो कॉस्ट लाइक ये पूरा A to Z ऑफ बिजनेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट PDF बनाया है, जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझने की जरूरत है विद एग्जाम्पल्स, तो हम लोगों ने एक PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। जस्ट गो एंड डाउनलोड इट एंड स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू नीड प्रॉपर कंसल्टेशन स्टेप बाय स्टेप, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड रेस्ट, वन मोर थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट वी आर कमिंग अप विथ आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहाँ पे हम मॉड्यूल वाइज आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, जहाँ पे वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग इट। एंड हम अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर लाइक प्लानिंग कि हम नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप, और स्पेसिफिकली अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है या सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है या फिर SEO सीखना है, तो हम स्पेसिफिक मॉड्यूल्स लेके आ रहे हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट गो एंड एनरोल टुडे, टॉक टू आवर कंसल्टेंट एंड गेट द कंप्लीट डिटेल्स नाउ इटसेल्फ। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट शेयर विद द प्रॉपर पर्सन हु एक्चुअली नीड इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन Stay, keep updating yourself and go digital right now.